सो हाय गाइस, आई एम बैक विद द वीडियो। तो यार मेरे एग्ज़ाम्स शुरू हो गए हैं अब, तो आज पहला एग्ज़ाम है मेरा 5:30 बजे से एंटरप्रेन्योरशिप का। उस एग्ज़ाम में हमें क्या करना है कि हम पिछले 2 महीने से एक स्टार्टअप्स पे काम कर रहे हैं सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने कोर्स लिया है, एंड वी आर एक्सपेक्टेड टू मेक अ प्रेजेंटेशन ऑन दैट एंड प्रेजेंटेड टुडे। सो जो भी स्टार्टअप वगैरह चल रहा था उसका आज फाइनल प्रेजेंटेशन है। सो मेरा स्टार्टअप जैसे अकेडमी चलता है आपको पता ही होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। सो आज मैं उसको प्रेजेंट करने वाला हूँ एंड 5:30 बजे से एग्ज़ाम है। सो आई थॉट कि यार 4:30 बज रही है, सो एक वीडियो बना लेते हैं फटाफट से एंड जस्ट आई शुड पोस्ट इट, क्योंकि यार एक टॉपिक था जो मुझे बहुत दिन से एक्सप्रेस करना था और अब उसका टाइम मिला है क्योंकि पूरा वीक ऑलमोस्ट पढ़ाई में जा रहा था। सो यार बात और हाँ, और अगर मुझे परमिशन अगर मिली देन आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑफ द प्रेजेंटेशन एंड पोस्ट इट हियर ऑन द चैनल। सो अगर होता है देन प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। सो यार आप, पर मैंने वीडियो इसके लिए नहीं बनाया है, वीडियो मैंने बनाया है एक टॉपिक के लिए जो अपने थंबनेल में पढ़ा भी होगा कि व्हाट इज़ वन थिंग विच यू शुड नेवर डू इन योर लाइफ। तो यार आज उसके बारे में बात करने वाला हूँ बेस्ड ऑन माय ओन एक्सपीरियंसेस एंड अ फ्यू मोर थिंग्स विच आई नोटिस्ड इन माय लाइफ रिसेंटली। सो क्या है कि मैंने यार एक चीज़, जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ ना कि कभी लाइफ करनी चाहिए, वो होता है घमंड। बीइंग प्राउड ऑफ एनीथिंग विच आई हैव अचीव्ड कुछ भी हो सकता है वो, इट कुड बी मनी, इट कुड बी फेम, इट कुड बी पावर, इट कुड बी रैंक्स, इट कुड बी अचीवमेंट्स, कुछ भी। ठीक है, लोग क्या है आजकल क्या हो गया कि कोई भी चीज़ आप अचीव कर लेते हैं लाइफ में, लोग, मैं भी ऐसा था, हो सकता है अभी भी हूँ। सो क्या है कि कुछ लोग अचीव कर लेते हैं लाइफ में इन सब में से जो भी, तो यार उनमें एक अंदर से एक फैक्टर आ जाता है जो प्राइड फैक्टर होता है कि यार मैं अब थोड़ा ऊँचा उठ गया हूँ, बाकी लोग मुझसे नीचे हो गए हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में भी बहुत आपने कुछ किया होगा, देन यू मस्ट बी हैविंग दैट काइंड ऑफ फीलिंग इनसाइड योरसेल्फ, राइट? एंड आई हैव ऑब्जर्व दैट इन माई सेल्फ टू एट टाइम्स। जब मैं पहले था ना 8, 9, 10 में, तब मैं बिल्कुल ऐसा था, किसी भी एग्जाम में रैंक आ गया तो यार एकदम ऐसा सोचते थे कि भाई अब तो मैं आगे बढ़ गया हूँ, बाकी लोग मुझसे पीछे हो गए हैं। और मज़ा पता है मुझे पता क्या चलता था कि लोग मुझसे नफरत करते थे फॉर दैट। एंड आई ऑब्जर्व इट इन माई लाइफ टू कि जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं ना जिन्होंने कुछ अचीव कर लिया ज़्यादा एंड दे बिकम प्राउड ऑफ इट, ठीक है, तो उनको कोई पसंद नहीं करता है, नो वन लाइक्स देम। जैसे आपकी क्लास में भी कोई टॉपर बच्चा होगा ना, राइट? सो अब वो दो तरह के लोग होते हैं, एक तो हो सकता है हम्बल हो जिसकी रेयरिटी बहुत रेयर चांस होता है कि ऐसा हो, सेकेंड थिंग इज़ कि ही इज़ वेरी एरोगेंट, ही इज़ वेरी प्राउड। तो यार आपने नोट किया होगा कि नो वन लाइक्स देम, सब नफरत करते हैं उससे। टीचर्स हो सकते हैं पसंद करते हो ऑफकोर्स, बट स्टूडेंट्स में नो वन लाइक्स देम, राइट? सब लोग उससे एकदम एक यूनानिमस नफरत रहती है कि क्या यार ये तो पूरे टाइम उड़ता रहता है, राइट? सो ये चीज़ मैंने लाइफ में देखी है कि मैं जब पहले छोटा था ना, या 8, 9, 10 में, मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स में अच्छी अच्छी रैंक्स लाए, और अपने इंडिया में या उस समय पर ऐसा होता था कि एग्ज़ाम्स में अचीवमेंट्स को ही माना जाता था कि ये बड़ी चीज़ है। सो तब आई नोटिस कि तो जब जब मैं किसी एग्ज़ाम में अच्छी रैंक ला के एंड देन आई यू नो मैंने इस तरह का बिहेवियर किया कि यार देखो मेरी रैंक आ गई है ये वो, नो वन गेव अ शिट, सब नफरत करते थे उल्टा, किसी को पसंद नहीं आता था और दोस्त कम हो जाते थे। लेकिन अभी रिसेंटली कुछ महीनों से आई हैव यू नो एटलीस्ट ट्राइड टू बिकम अ बिट मोर हम्बल। सो अब देखा है कि लोग अप्रिशिएट ज़्यादा करते हैं, लाइक ये 67,000 लोग जो चैनल पे हैं वो इसलिए नहीं है कि मैं ऐसा बोलता रहा हूँ कि मेरी ये रैंक है मेरे वो रैंक है, नहीं, दे आर हियर बिकॉज आई हेल्प देम इन अचीविंग देयर गोल्स एटलीस्ट, और एटलीस्ट आई एम ट्राइंग टू हेल्प, राइट? आपने चैनल पर मेरी वीडियोज़ देख के इसलिए आए हो क्योंकि आई हैव हेल्प यू इन सम वे और अदर, राइट? यू हैव नॉट कम हियर बिकॉज ऑफ वॉट एवर अचीवमेंट्स आई हैव, राइट? सो मैं यही पॉइंट कह रहा हूँ कि आपकी लाइफ में कभी भी कुछ भी अचीव कर लो ना, एनी थिंग एट ऑल, प्लीज़ डोंट टेक प्राइड ऑन इट। ऐसा मत सोचो कि यार हम किसी आगे हो गए पीछे हो गए। ये हमारे प्रोफेसर ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी थोड़े दिन पहले कि लाइफ इज़ अ वेरी गुड लेवलर। लोग इस तरह से करते हैं ना कि यार मेरा ये चीज़ मैं डिज़र्व करता था मेरे साथ नहीं हुई, या ये चीज़ मैं नहीं डिज़र्व करता था मेरे साथ हो गई, सब फाइनली एट द एंड ऑफ द डे इट ऑल लेवल्स आउट। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आप जब भी इस तरह का बिहेवियर शो करोगे ना कि यू नो प्राइड हो जाओगे तो जस्ट फ्रेंड्स लूज होंगे। मेरे साथ ऐसा हो चुका है एंड रिसेंटली 2-3 दिन पहले ही मेरे साथ ऐसा कुछ और हुआ, सो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। इट वॉज नॉट अबाउट मी, सो मेरा एक फ्रेंड है, सो क्या है कि ही यू नो अचीव समथिंग एंड आई विल नॉट ट्राई टू गो इन टू डिटेल्स, एंड यू नो ही हैज़ हिज एटीट्यूड रिसेंट एकदम सडनली चेंज हो गया है। सो क्या है कि आई एम नॉट ट्राइंग टू बी जजमेंटल हियर, बट ऑलमोस्ट एवरी वन, नॉट ओनली, ओके आई एम नॉट सेइंग अबाउट माई सेल्फ, उसके जितने भी फ्रेंड्स हैं ऑलमोस्ट सब धीरे धीरे कम हो रहे हैं बिकॉज ऑल द टाइम ही इज जस्ट इन टू दैट मैंने ये किया, राइट? सो पॉइंट इज कि वही है, मैंने बहुत सारा रिपीट किया है कि जस्ट इस वीडियो का पॉइंट बस ये बताना था कि यू नो दिस इज़ वन थिंग विच यू शुड नेवर डू, क्योंकि इससे केवल लोगों के मन में नफरत बढ़ती है एंड नो वन लाइक्स इट एट ऑल। और उल्टा अगर आप कुछ करके इफ़ यू स्टे हम्बल, लाइक इफ़ यू डोंट हैव दैट प्राइड फैक्टर इन योर सेल्फ, देन पीपल जस्ट लव यू, वो फिर ऐसा सोचेंगे कि वाह यार ये बंदा
कितना मतलब अच्छा है, लाइक इसने इतना कुछ किया फिर भी इसमें एक भी नंबर का घमंड नहीं है, लेकिन जब उल्टा होता है ना, आपने कुछ अच्छी करा फिर आप हल्का सा भी कुछ कर दोगे ना तो लोग बोलेंगे क्या यार ये तो घमंडी है. सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. और आप दुनिया में जो बहुत हाईली सक्सेसफुल लोग जितने भी होते हैं ना, बिल गेट्स को देखो कितनी सारी चैरिटी करते हैं वो, इलॉन मस्क को देखो कितने एकदम सिंपल रहते हैं, महात्मा गांधी को देखो कितने सिंपल और मतलब यू नो कितने सादे क्लोज में रहते थे वो. सो उन लोगों में क्या है कि इवन आफ्टर अचीविंग लॉट्स ऑफ सक्सेस एंड ग्रेटनेस दे वर ऑल हम्बल. ठीक है, दे डिड नॉट हैव इवन अ बिट ऑफ प्राइड ऑन देयर अचीवमेंट्स एंड दैट इज वॉट ड्राइव देम टू अवर सक्सेस. और जो भी लोग बहुत ज़्यादा प्राउड हो जाते हैं ना अपनी चीज़ों का, जैसे अडॉल्फ हिटलर है, बहुत अच्छे लीडर थे, बट यू नो समवेयर इनसाइड ही बस प्राइड ऑफ हिमसेल्फ की यार मैं यू नो इन सर्टेन रेसेस को हटा दूंगा. सो कहीं ना कहीं लोगों ने उनको पसंद नहीं किया, ही इज़ नॉट रिमेंबर्ड एज अ गुड पर्सन, राइट? सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दिस वीडियो. एंड आई होप कि कुछ लोगों के एटलीस्ट ये चीज़ थोड़ी अच्छी लगी होगी. सो जस्ट मैसेज यही था वीडियो की, बी नाइस टू पीपल इरेस्पेक्टिव ऑफ हु दे आर. कोई छोटा भी हो, छोटा देखो कोई होता नहीं है पहली बात, कोई भी हो, इवन इफ ही इज़ अ रोड जो रोड साफ करने वाला है, या इवन इफ ही इज़ अ वेरी बिग पर्सन, रेस्पेक्ट देम इक्वली बिकॉज दे ऑल हैव इक्वल पोजिशन इन सोसाइटी. और आप किसी को ऐसा नहीं कह सकते कि यार तू छोटा है मैं बड़ा हूँ या नहीं, यू शुड नॉट हैव एनी ऑफ दैट फैक्टर इन साइड यू. सो दैट वॉज जस्ट वन थिंग आई वॉन्टेड टू से, क्योंकि यह चीज़ मैंने इसी हफ्ते रियलाइज़ की है. मतलब मैं प्रैक्टिस इंप्लीमेंट तो बहुत दिनों से कर रहा था कि यू नो नॉट बींग प्राउड ऑफ वॉट एवर यू हैव एंड जस्ट स्टेइंग हम्बल एंड टॉकिंग टू एवरी वन विद रेस्पेक्ट. एंड सो जस्ट वन थिंग जो इस वीक में कॉन्शियसली मेरे माइंड में आई, सो आई जस्ट थॉट ऑफ शेयरिंग. सो या सॉरी है बहुत, क्योंकि ये वीडियो मैं एडिट अच्छे से नहीं कर पाऊंगा, इट्स वेरी शेकी आई गेस बिकॉज 5:30 बजे एग्जाम एंड आई हैव टू गो. एंड आई ऑल्सो कुड नॉट, कि ऐसा भी नहीं कर सकते थे ना कि यार थर्सडे को मैं वीडियो डालता हूँ, थर्सडे और संडे को यूजली एंड अब डालो ही नहीं, दैट इज़ ऑल्सो नॉट करेक्ट, राइट? सो मैंने सोचा कि फटाफट से बना के डाल देते हैं सो दैट एटलीस्ट, क्योंकि नथिंग समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, राइट? सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, जो स्पेशली जो आपका टॉपर दोस्त है ना, जो इस तरह से करता रहता है कि हमेशा उड़ता है, तो शेयर इट विद देम, उसको व्हाट्सएप पे भेजो ये वीडियो. एंड इफ यू लाइक द चैनल द कंटेंट यू कैन सब्सक्राइब टू इट ऑल्सो. थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, आई विल बी ऑफ टू माई एग्जाम, बाय.